नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। नोएडा स्थित मास्को मीडिया इंस्टीट्यूट ने दिल्ली के दिल का नॉट प्लेस में आज छात्रों के लिए एक खास वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में मास्को मीडिया के प्रोफेसर ने छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा किया, साथ ही छात्रों को फिल्म मेकिंग के गुण भी सिखाए। छात्रों ने भी बढ़ चढ़ कर इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया और क्या कुछ सीखा बच्चों ने इस वर्कशॉप से, आइए आपको दिखाते हैं। फिल्म और मीडिया इंस्टीट्यूट में सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट्स में से एक मास्को मीडिया ने उन छात्रों के लिए एक खास वर्कशॉप का आयोजन किया है जो फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए कैसा लगा उनको ये वर्कशॉप, सीधा उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। माय नेम इज मानकौर। आपको मास्को मीडिया के बारे में कैसे पता चला? Searches out on the internet, I saw the many videos on the YouTube, but I selected the this one, that is the best one, and the experience was in this the long lasting. ये जो अभी यहाँ पे वर्कशॉप चल रही है, इसका कितना फायदा मिला है? It's a very awesome, means ऐसा कोई नहीं है institute जहाँ पे आपको deeply या एक friendly एक environment की तरह समझाया जाए, it's good. मैंने यहाँ से बहुत अच्छा experience gain करा है. I learned lot of things from here. मेरा एक first experience था, मैंने यहाँ पे act किया. मैं डायरेक्शन तो मैंने पहले भी करी हुई थी, बट जो एक्टिंग उन्होंने सिखाई, जो प्रोसीजर सिखाया, दैट वाज वेरी वेरी गुड। तो छात्र पूरा फायदा उठा रहे हैं इस वर्कशॉप का, और उनका मानना है कि फिल्म मेकिंग में अगर करियर बनाना है तो मास्को मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। मैं मास्को मीडिया स्टूडियो से कैमरामैन शत्रुघ्न के साथ लोकेंद्र त्यागी, एनएनसी न्यूज़ नोएडा। भारत सरकार ने दिल्ली में मौजूद भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक समूह से कहा है कि वह उस सरकारी बंगले को खाली करें जिसमें उसका दफ्तर है। संयुक्त राष्ट्र के सैन्य मिशन के जिस दफ्तर को खाली करने को कहा गया है, वह 1949 से भारत में है और दिल्ली में पुराना किला के पास एक इमारत में चल रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह मिशन की अब कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि पिछले 40 साल से यह समूह इस बंगले का इस्तेमाल बिना शुल्क दिए ही कर रहा था। When I last clarified, I said this is part of rationalizing the presence of UNMOGIP. All we have said is that there are several measures that we have taken to rationalize the present and to monetize the facilities being provided to them. But let me assure you that there will be substantial meetings with senior BRICS leaders with the Prime Minister of India. इराक में फंसे भारतीयों का एक और दल भारत सुरक्षित लौट आया है। अपनों को देखते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे परिजनों की आंखें खुशी से भर आईं। इराक में मौत को करीब से देखकर लौटे दल के साथ राजस्थान के दौसा का कैलाश भी अपने परिजनों के पास सही सलामत लौट आया है। मीडिया से बात करते हुए कैलाश और उनके परिवार ने भारत सरकार को धन्यवाद कहा। साथ ही कैलाश ने कहा अब वो कभी इराक वापस नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि इराक में आतंकियों ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है और वहाँ अभी भी हिंसा लगातार जारी है। हमारे पास में अस्करी है, उधर होती रहती है और उधर गोलीबारी बम धमाकों की आवाज़ सुनते ही रहते थे हम। अच्छा, हमारा बच्चा आ जाए, पैसा की तो गम ही नहीं थी। आज आपका बच्चा आपके आंखों के सामने है, ऐसा महसूस हुआ? ममता भर गई, मैंने देख लियो। मोदी सरकार ने आम बजट में बेशक मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया हो, लेकिन अभी भी मदरसों के संचालक मोदी सरकार से कुछ खफा दिख रहे हैं। दारुल उलम के प्रवक्ता मौलाना अशरफ उस्मानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पहले तो कहा था कि मदरसों में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उन्होंने पता नहीं किस वजह से मदरसों के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्कूल बहुत अच्छे से चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी को ये कदम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात के लिए कहा कि हिंदुस्तान में चलने वाले मदारिस में किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों बयानों में मुतदाद हैं, दोनों बयान मुतदाद हैं। हमारी समझ में नहीं आता कौन से बयान को हम सही माने और कौन से बयान को गलत माने। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जौहरा सहगल को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत के बड़े बड़े चेहरे दिल्ली पहुंचे। जौहरा को अंतिम संस्कार दिल्ली के स्थित लोधी रोड पर किया गया। जौहरा को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, एमके राणा, प्रसार भारती के CEO जवाहर सिरकर वहाँ मौजूद रहे। आपको बता दें कि जौहरा सहगल 102 साल की थी और उन्होंने दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी।
नहीं, फिल्मों में भी काम किया लेकिन उनकी उम्र हिंदी फिल्मों से ज़्यादा है, वो हिंदी फिल्मों से उम्र में बड़ी थी। और उदय शंकर जी के साथ, पृथ्वी थिएटर के साथ, इप्टा के साथ उनका जो पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी थिएटर का इतिहास आप लिख ही नहीं सकते हैं बगैर जोरा सहगल के। दिल्ली में एक बार फिर बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देर रात पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में बिजली कटौती से गुस्साए लोगों के ने बीएसएस के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ भी की। लोगों ने दफ्तर में रखे कूलर और कंप्यूटर भी तोड़ डाले। गुस्साए लोगों का कहना है कि रोज रात को करीब 4 घंटे बिजली गुल रहती है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिन से डेली 4-4 घंटे का गैप लग रहा है। दिन में भी 6 बार लाइट गई है, कम से कम 1-1 घंटे का गैप लेके। रात को 2 बजे 2:30 बजे लाइट आती, 7 लाइट नहीं आती, 11 बजे चालू होता ड्रामा, 3 बजे तक डेली ड्रामा है गगन बिहार से लेके और चंदन नगर तक। ये विधायक हर्षवर्धन जी का एरिया है, विधायक हर्षवर्धन जी का एरिया, मोदी जी ने हमें जो खाब दिखाए वो सारे खाब झूठे नजर आते हैं हमारे को। अमेठी में कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह के बेटे दद्दन सिंह व उनके चालक की हत्या के मामले में अमेठी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई कार, स्विफ्ट डिजायर और एक पिस्टल भी बरामद की है। गौरतलब है कि इस मामले में कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह ने प्रतापगढ़ के MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कुल 6 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और 2 आरोपियों ने सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या किस मामले में आपकी गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से आप इन्वॉल्व थे? सर, मैं गाड़ी चला रहा था और दद्दन सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई। क्या आपका रोल क्या था उसमें? सर, सिर्फ गाड़ी चलाना। जैसा कि आप जानते हैं, अमेठी के थाना जगदीशपुर क्षेत्र में वारिसगंज के पास कुछ दिन पूर्व डबल हत्या हुई थी, दद्दन सिंह की और एक उनके ड्राइवर की। एक व्यक्ति जो संलिप्त रहा है, वीर सिंह उर्फ विक्रम, बिक्की उर्फ विक्रम, और जो दूसरी गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर प्रयुक्त, उस गाड़ी को और 9mm की पिस्टल में 7 कारतूस की ये बरामदगी हुई है जो आपके सामने है। और इस प्रकार अब तक हम लोगों ने 4 अभियुक्त और 2 गाड़ियां और 2 असलहे इस प्रकरण में रिकवर कर लिए हैं और आगे हम लोग विवेचना कार्रवाई कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के ऊपर होते अत्याचार का एक और मामला सामने आया है, जहां कल्याणपुरी इलाके में कॉलेज की छात्रा ने खिचड़ीपुर के रहने वाले अतुल उपाध्याय पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि अतुल उसे शादी करने के बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ उसने करीब 3 महीने तक यौन शोषण किया। साथ ही लड़की ने आरोप लगाए हैं कि जब वो गर्भवती हो गई और उसने अतुल से शादी करने के लिए कहा तो उसने उसे छोड़ दिया, साथ ही उसे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और कार्रवाई में जुट गई है। शादी का झांसा देकर रेप किया गया है मेरे साथ 3 महीने तक, और जब मैंने शादी के लिए, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ 3 महीने शादी के लिए बोल रही, तो वो छोड़ के चला गया है। लड़के का क्या नाम है, कहाँ रहता है? खिचड़ीपुर में रहता है, अतुल नाम है, अतुल उपाध्याय। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फाइनेंस कंपनी पर विश्वास करके आप अपनी मेहनत की कमाई जमा करते हैं, वही आपका पैसा लेकर भाग जाए? सोचकर भी आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसा ही एक वारदात सामने आई है मऊ से। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही फाइनेंस कंपनी आइडियोल इंडिया के कर्मचारियों ने ही भेष बदलकर ब्रांच मैनेजर को अपहरण कर लिया था, जिसका खुलासा करते हुए मऊ पुलिस कंपनी के चपरासी को जब हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा राज पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। दरअसल चपरासी ने बताया कि बैंक मैनेजर के कहने पर ही ऑफिस के कर्मचारियों ने भेष बदलकर अपहरण किया था, जिससे लोगों के सारे पैसे वो आसानी से हड़प सकें। दोपहर में ये सूचना जब प्राप्त हुई तो तत्काल पुलिस बल मौके पर भी देखने पे पाया कि आइडियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आइडियल इंडिया एंटरप्राइजेज नाम से और एक आइडियल इंडिया कॉरपोरेशन, ये 3 फर्मों के नाम से एक कंपनी कृष्णा मार्केट में चल रही है। और वहाँ पे चौकीदार रामजन्म ने बताया कि 4 लोग आए और उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी दोनों, और मारपीट करके मैनेजर को रुपयों सहित अपहरण करके ले गए।
ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खुलेआम कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं इस हमले में दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना उस समय हुई जब ये लोग अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने इनकी गाड़ी रोकी और फिर इन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। आनन फानन में तीनों लोगों को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया और दो लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे, रास्ते में रोक करके नौरंगपुर पुष्ता के पास गोलियां लगी है और दोनों घायल अवस्था में यहाँ आए हैं और है तो सीरियस, जांग में लगी है। कहाँ गोली लगी इनके? एक को जांग में लगी है और दूसरे को कमर में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बैंकों के कर्ज से तंग आकर सुनील सिंह नामक गन्ना किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार का आरोप है कि चीन मिल के भुगतान न देने पर और लगातार बैंकों के कर्ज वसूलने के दबाव से तंग आकर सुनील ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो वहीं सुनील के एक साथी का कहना है कि हमारे इस क्षेत्र में ऐसे गन्ना किसानों की संख्या सैकड़ों नहीं हजारों में है, जिनकी शुगर मिल पर काफ़ी मोटा पैसा बकाया है। काफ़ी लोगों ने सुनील की तरह बैंक से कर्ज भी ले रखा है, अगर यही स्थिति रही और भी किसान आत्महत्या कर सकते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी का कहना है कि जांच के लिए एक टीम का गठन घटनास्थल पर भेज दी है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर वजह ये रही है, काफ़ी दिन से परेशान थे, खेती बाड़ी करते हैं हम, खेती के ऊपर लोन लिया हुआ था बैंकों से, तो बैंक वाले ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे, सीमेंट मिल कर नहीं रहा। इंसान की इंसान पर ही हैवानियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या कोई एक मोबाइल रिचार्ज ना करने पर एसिड डाल सकता है? आप भी सुनकर चौंक गए होंगे। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ का है, जहां उधार में मोबाइल रिचार्ज ना करने पर एक दुकानदार के ऊपर एसिड डाल दिया गया। घायल अब्दुल का कहना है कि मेरे पास पड़ोस का एक युवक आया और उसने अपने मोबाइल उधार में रिचार्ज कराने को कहा, लेकिन जब मैंने रिचार्ज के लिए मना कर दिया तो वह युवक मुझे जान से मारने की धमकी देकर चला गया और अगले ही दिन उसने अपने एक साथी के साथ मेरे ऊपर तेजाब से अटैक कर दिया। परिजनों ने घायल अब्दुल को एक अस्पताल मतलब जो ये तेजाबी हमला हुआ है, किसने किया, क्यों किया? मैंने फ्लैक्स के लिए आया था, मेरी दुकान पर बना था, मैंने रात फ्लैक्स के लिए मना कर दिया, फिर मेरे पास आया वो रात को, उनका तुझे मार नहीं मारना है, मैंने ठीक है तू मार नहीं जाएगा। और उससे एक दिन बाद वो मेरे छत पर आया और तेजाब डाल के भाग गया। एक जरा नीचे लड़का था, उसे मैंने पहचाना ना, जिसने तेजाब डाला था उसे पहचाना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC News। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।